बात करी थी कि पहले भी यहाँ पे और कहने के देखिए फाइट होती हुई दिख रही है मुझे फाइनल के अंदर गॉड लाइक की क्लच गॉड क्वालिटी दर्शाई करते हुए दिखेंगे यहाँ पे, तो शुरुआती तौर पे एक बड़ा नुकसान हो सकता है गॉड लाइक को। आई रियली बिलीव यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा, गॉड लाइक के पास गन भी आ चुके हैं जी गॉड देखने को पहले के बेहतरीन स्प्रे डैमेज काफी ज्यादा ऑप्टिमम बट स्टिल नॉट इनफ, और क्लच गॉड का इसी के साथ आत्मा भी होता हुआ दिखेगा, एक लॉस पे जा चुके हैं वो, लेकिन देखना चाहूंगा क्या 1v1 की फाइट के अंदर ओके नाउ इट्स 1v2 बिकॉज बैकअप भी आता हुआ दिखेगा सामने वाली टीम का एंड इट इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर गॉड लाइक टू बाउंस बैक बिकॉज उनके पास एंगल्स है लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो गन्स है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉपर देखने को नहीं मिलने वाली है। एक स्पार्क अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रही है कि इस तरीके से एक अच्छा परफॉर्मेंस देके अच्छा पॉइंट बिल्ड करते हुए देखें। जॉनथन है पास में, शैडो देखने को मिल रहा है, जी गॉड एचपी बहुत ही ज्यादा कम है, बेयर मिनिमम एचपी पे सर्वाइव करते हुए देखेंगे बट शायद कुछ यूटिल्स मिल जाए तो उसका फायदा उठा के यूज करते हुए दिख सकते हैं। शैडो यू विल बी इन अ 1v1 और मुश्किल होता दिखेगा, सारंग के पास M16 है, टैप शॉट जरूर से दिए, बर्स्ट शॉट जरूर देखने को मिले, शॉट की एचपी भी काफी कम होती हुई दिखेगी इस समय पर, क्या एक नॉकआउट निकल के आएगा। लुक एट शैडो एचपी अगर आप उनकी देखे तो काफी कम थी बट जॉनथन अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट होते हुए देखेंगे। शैडो निकाला बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल अबाउट जी गॉड, एक आखिरी खिलाड़ी एक आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलेंगे, फॉर्चुनेटली has got the heels लेकिन क्या वो स्काउट जैसे प्लेयर्स को भी समय नहीं मिल पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट तो किया लेकिन फिनिश तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंटी।